सकती। अच्छा, हम आप ही से पूछ रहे हैं। हम आप ही से पूछ रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? हम अभी तय कर दें। अभी हम तय कर दें। मैंने अभी तय कर दें। ना ना ना, आप बताइए। मैं अभी तय निकाल लेंगे। जब नीतीश कुमार अच्छा नहीं है तो मैडम से तो तय करवा लो। तो नहीं, आप बोलिए ना, अगर नीतीश कुमार अच्छा नहीं है तो नीतीश कुमार का वोट नहीं देंगे। बोलिए, बात करते हैं भाई, करवा लो टेम्पो वाले सर से। आप बताइएगा, लोग जो बैठा के आ रहा है, लोग बैठा के आ रहा है, नहीं बता रहा है। आप बताइएगा, हम काला बताएं? जो लोग बैठा के खिला रहा है, जो आप लोग बैठा खिला रहे हैं, सुनिए ना, आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। ये पूरा बिहार का जो शिक्षा का आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। आपके चिल्लाने से होगा? हमके चिल्लाने से क्या होगा? लोग बैठा के जो लोग बैठा खिला रहा है उनके चिल्लाने से होगा? आप नीतीश कुमार के साथ इफ्तार क्या करेंगे? वो मेरा इमाम है क्या? वो मेरा अल्लाह है क्या? वो नबी है, ऋषि है, मुनि है, पैगंबर है क्या? क्यों करेंगे, क्यों करेंगे बताइए? जो 12,000 उम्मीदवारों का कातिल, मुसलमानों का कातिल, उर्दू ठीक उम्मीदवारों का कातिल, ऐसे लोगों के साथ बोलते हैं आप? ये निकले ही पहले पूरे बिहार में। सुनिए ना, आप लोग खाली नेतागिरी करिएगा, 25 आएगा ना, फिर जाएगा। चल लीजिए, तो नेतागिरी आपके बाप की जागीर है क्या? क्यों मैं कदे में शेख बनते हो पारसा? नजरें बता रही है, नीयत खराब है। अब बात करते हैं आप सरकार से। आपके मन पसंद सरकार बनी है, उसके बाद सरकार आपको पसंद नहीं करती है। हमारे मन पसंद के मुसलमानों का शोषण करते करते यहाँ तक कब पहुँचा? कहाँ बात करते हैं? ये हम आई बाप दादा के कर करके जो खाली वोट लेना जानता है। मार करके जा भी चुके हैं, हम मार नहीं खाएंगे, हम आराम से जाएंगे, ऐसे आराम से जाएंगे, डंडा चल जाएगा। आप कैसे फैसला कर लीजिए? आपके पास बिहार में उर्दू टीटी के लेकर एग्जाम के लेकर 13 तारीख के जो है पूरे बिहार में बंदी करने वाले हैं लोग, अभ्यर्थी लोग। और काफ़ी कुछ पीछे भी देखा गया कि जितने भी सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी थे वो लोग भी ऐसा किए थे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हमको लगता है इस बार भी कुछ नहीं होगा, फिर भी डंडा खाएंगे लोग, ये लोग चल जाएंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हसन जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग आखिर ये लोग क्या मांगे हैं सरकार से, और किन मुद्दों को लेकर ये लोग 13 तारीख के जो है पूरे बिहार का घेराव करेंगे और चक्काबंदी भी करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है। स्वागत, शुक्रिया। अच्छा, एक बात आप बताइए तो, आप अभी कैसे फैसला कर लिए कि डंडा भी खाने वाले हैं? उदाहरण दिए ना, कि उदाहरण दिए ना, नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने सवाल पूछा कि डंडा खाने वाले हैं, इसका मतलब आप लोगों से ज्यादा जनसंख्या में सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी रोड पर उतर के चक्का जाम कर चुके हैं और मार खा के जांच भी चुके हैं। हम मार नहीं खाएंगे, हम आराम से जाएंगे, ऐसे आराम से जाएंगे, डंडा चल जाएगा। आप कैसे फैसला कर लीजिए? आपके पास आपके पास प्रेस रिलीज हुआ आया है सरकार का कि डंडा चलेगा? अरे उखाड़ फेंकेंगे डंडा के खिलाफ, क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं आप? डंडा चला दीजिएगा, आपको पता ना? सुनिए, आप सुन लीजिए, मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम। आप मुद्दा ये है कि चचा तन थोड़ा सा ये हो जाइए, मुद्दा ये है सर कि 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवार रिजल्ट जारी करने को लेकर के 10 साल से परेशान है। आप लोग एग्जाम कब दिए थे? 13 में दिए थे। रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद में बिहार बोर्ड तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को फेल कर दिया। फेल कर दिया रिजल्ट देख करके? कभी सुने हैं? देने के बावजूद भी फेल कर दिया? फेल कर, कभी सुने हैं ऐसा? कभी भी आप ही बताइए, सुने हैं? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है। बात पहुंची मुख्यमंत्री तक के, नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया और तुरंत हाई कोर्ट से लीगल ओपिनियन मंगवाया, जो लीगल ओपिनियन हम उम्मीदवारों के पक्ष में आया। लीगल ओपिनियन आने के बाद भी शिक्षा विभाग का लेटर निकल गया, उसके बाद भी आज तक के रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आज 1,70,000 की बहाली होने जा रही है, उसमें आप लोग भागीदार नहीं है? उसमें उर्दू नहीं है, नहीं है एक भी। अरे रिजल्ट ही नहीं आया तो कौन आवेदन करेगा? आप बताइए, आप बताइए, फिर कब दोबारा एग्जाम होगा? कहिया कहिया उसका भी पहले 1,70,000 बहाली है तो हो रहा है, तो हमारे लिए अलग से आ गए, अलग से सीट कहीं खाली होगा तो फिर आप लोग लिए आएगा? तो ठीक है, एगो हमको प्रेस रिलीज दिखा दीजिए आप। हम कहाँ से प्रेस रिलीज दे? सरकार यही ना सोच ना ये कहना कर सोच रही होगी, जो पास है पहले उसे जो सोच रही होगी, दिल की बात है, जो रिजल्ट निकला है पहले उसका ना सीट देगी। अरे सब पुराना हम है भाई, 13 हम है, कहाँ सीटेट 17, 18, 19, 20 है? सरकार के पास वही ना पहुँचेगी, फेल हो गए आप। कहाँ उसके फेल? रिजल्ट काला दिए थे, काला दिए थे रिजल्ट, उसके बाद फेल कर दिया। अरे बात कहला, ये फिर ओपिनियन मंगवाए थे, ये कहला 75 मरतबा ये बोले थे, काला बोले थे कि तुम्हारा रिजल्ट जारी हो रहा है, बीपीएससी के एग्जाम होने से पहले ही बोले थे कि सब लोग को मौका मिलेगा। 50 मरतबा विधानसभा में आवाज उठी है,
अहंकारी की हद हो गई यार। अच्छा आप अभ्यर्थियों का सुनिए ना, आप लोग अभ्यर्थियों का 5 महीने पहले बीजेपी की सरकार उस टाइम तो इतना हल्ला हुरदुम नहीं कर रहे थे, कहां से चल रहा था महागठबंधन? अरे 8 साल से चल रहा भाई, आप कहां थे? आपका ही चैनल कहां थे आप? सोए हुए थे? कहां सोए हुए थे आप भाई? ए कहां आप लोग सोए हुए थे? 8 साल से नीतीश कुमार का। ए साहब बताइए तो, इनको जवाब दीजिए तो। बीजेपी का पूछे पहले, वहां एक आदमी वहां खड़ा है 10 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है, पूछे पहले, पूछिए पहले। आप हैं है नहीं, आप तो आसमान में उड़ते रहते राहुल गांधी का बैट लेने के लिए, तो आपको क्या पता है? आसमान है ना, बैठ लीजिएगा। अरे यहाँ आज से हम हैं, ये कह रहे हैं कि 2 दिन से हैं, देख लीजिए। आज सच बोला है कि बिहार के सारे चैनलों से लोगों की आप जो है ना विश्वास, सुनिए ना, बता रहे आप लोग की जरूरत नहीं है बिहार में, इसीलिए आप लोग रिजल्ट नहीं जरूरत है, है। नहीं आपकी जरूरत, इनकी जरूरत है, देख नहीं रहा बाहर से शिक्षा में। फालतू बात मत कीजिए, जो सवाल उस पे भाई बिहार की हमारी जरूरत नहीं है, तो आप लोग क्या जरूरत? हमारी जरूरत नहीं है तो वापस करें पैसा, आवेदन जो आवेदन काबिल नहीं है तो वापस कीजिए आवेदन का पैसा, काबिल नहीं वापस न कीजिए आप। कभी कहिएगा चाय वाला जो है ना बेकार आदमी है तो कहिएगा तुमको मत रहो यहाँ, कभी कभी। अच्छा एक बात, सुनिए सुनिए सुनिए, तो हम भी करें सुन लीजिए, तो हम भी करें नीतीश कुमार यहाँ के लायक नहीं है, हटा दीजिए आप। नहीं लायक तो कहे मुख्यमंत्री बना, आप ही ने बना है, देख लिया ना, पकड़ा ना गए, तलमला रहे जवाब, तो हम बोल रहे तो तलमला रहे, बात करते हैं, हम बना है सरकार। सुन लीजिए, क्यों मैं कदे में शेख बनते हो पारसा, नजरें बता रही है नीयत खराब है, अब बात करते हैं सरकार के आपके मन पसंद की बात, आपके मन पसंद सरकार बनी है, उसके बाद सरकार आपको पसंद नहीं कर रही है। हमारे मन पसंद के मुसलमानों का शोषण करते करते यहाँ तक कब पहुँचा, क्या बात करते हैं? ये एमओआई बाप और दादा के कर करके जो खाली वोट लेना जानता है, इसमें मुसलमानों का आप लोग अभ्यर्थी है, फिर इसमें मुसलमानों का है जुड़ रहे हैं। अरे फिर भाई तो कौन बात है, कौन चलते हैं 20,000-25,000 चलते हैं? अरे भाई 4 लाख एग्जाम दिया था, 20,000 की बात करते हैं, एग्जाम दिया था, एग्जाम दिया था ना, हम कह रहे हैं 20,000-25,000 सीट के चलते। सुन लीजिए एससी थे का सब, सुन लीजिए सुन लीजिए एससी थे का उसमें सब, इवन नीतीश कुमार के जितने जाति के लोग वो लोग का बैठा था सब, आप कह रहे हैं उसमें उर्दू टीटी का नाम पूरा मस्जिद में हम ऐलान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहा है, आपको क्या पता? पूरा मुसलमान नीतीश कुमार से प्यार करता है, वोट देता है, आपके कहने से हो जाएगा, प्यार करता है तो घर में ले जाइएगा, एक दिन बैठा लीजिएगा, जाके बैठते नहीं है, टोपी लाके इफ्तार करते हैं, अब क्या चाहिए? तो विकास हो गया, इसलिए बीपीसीएल लेकर के आ गए, इसलिए 8-8 बार संशोधन कर लिए, वाह वाह क्या बात है यार। अब हुआ कि नहीं हुआ वह बताइएगा, आप बताइएगा, लोग जो बैठा के आप बताइएगा, लोग बैठा के आ रहे हैं नहीं बता रहे हैं, आप बताइएगा, हम कहला बताएं, जो लोग बैठा के खिला रहे हैं, जो आप लोग बैठा के खिला रहे हैं, सुनिए ना, आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा, ये पूरा बिहार का जो शिक्षा का आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा, आपके चिल्लाने से होगा, हमके चिल्लाने से क्या होगा, लोग बैठा के जो लोग बैठा खेला रहा है उनके चिल्लाने से होगा कि आपके चिल्लाने से होगा? बोलो तो खर्रा नहीं को देखे ना समर्थन देखे रमजान समर्थन। अच्छा एक बात बताइए, आपका पेट भर नीतीश कुमार बैठ के आप नीतीश कुमार के साथ इफ्तार क्या करेंगे हम? वो मेरा इमाम है क्या? वो मेरा अल्लाह है क्या? वो नबी है, मुनि है, मुनि है, पैगंबर है क्या? क्यों करेंगे, क्यों करेंगे बताइए? जो 12,000 उम्मीदवारों का कातिल, मुसलमानों का कातिल, उर्दू ठीक उम्मीदवारों का कातिल, ऐसे लोगों के साथ बोलते हैं आप? ये निकले है पहले पूरे बिहार में, सुनिए ना, आप लोग खाली नेतागिरी करिएगा, 25 आएगा ना, ये काम सुनिए ना, उधर जाएगा ना, फिर इंसाफ सुन लीजिए, तो नेतागिरी आपके बाप की जागीर है क्या? और कौन ही करेगा? तो फिर तो फोटवा उधर जाएगा 25 में, नेतागिरी सुन लीजिए, फिर उधर जाएगा 25 में, इनका बाप का है वोट, पूरा आप लोग उधर दीजिएगा 25 में, किधर दीजिएगा 25 में उधर दीजिएगा महागठबंधन, इसीलिए तो इसीलिए ना चुचकार करके बुला रहे हैं कि आइए ना रैली में, पूरे बिहार का लोग कह ना चुचकार करके बुला रहे हैं, आइए रैली में, भाई समीकरण की तो बात कीजिए, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे जब रिजल्ट मांग करेगा ना तब समझ में आ जाएगा, एसटीटी का 50% और उर्दू टीटी का 60%, अब बात करते हैं मुसलमानों की, जिताइएगा तो यही ना हाल, फिर करो जिताइएगा, अब आवाज आपकी धीमे हो गई, अब इतने देर में धीमे हो गई हमारा धीमे से, अरे सुनिए सुन लीजिए, तो लाइए ना किसी को चिल्लाने वालों को मेरे सामने, जो एजुकेशन पे बात कर ले, ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, बिहार शिक्षित राज्य हो गया जब से नीतीश कुमार आया, आप तो इसीलिए एक ट्वीट में 50 को गलती, इसीलिए शिक्षित है और आप ही का चैनल कर रहे हैं।
और बात कर रहे हैं। जंगलराज खत्म हो गया मानते हैं ना? देख रहे हैं भीड़, जहाँ बात कर रहे हैं देख रहे हैं भीड़ को। जंगलराज खत्म हो गया मानते हैं ना? कुछ जंगल कुमार आए थे, जंगलराज खत्म कर दिए। कहाँ से जंगल है? लोग पढ़ने जाने में डरते थे। नहीं, जंगल तो कहाँ गए? जंगल है, पेड़ पौधा, आप जंगल बोल दीजिए। तो किसको जंगल कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन के लिए ही तो लगाया गया है। तो किसको जंगल राज कर रहे हैं? जंगल राज का मतलब गुंडागर्दी राज जो चल रहा था वो खत्म नहीं हो गया जब पढ़ने आप जाते थे। 12,000 को फेल कर दिया, वो गुंडागर्दी नहीं है? बताइए आप, रिजल्ट फेल नहीं होता है? पास को फेल कीजिएगा। लाओ एक एग्जांपल, लाओ, बता नीतीश कुमार जवाब दे, शिक्षा मंत्री जवाब दे, पास करके कौन फेल हुआ? और बात करते हैं आप, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, शर्म आनी चाहिए ये सिस्टम के लोगों को, शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्री को, शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिसने कहा था कि उर्दू टीटी का रिजल्ट हम दिलवाएंगे। क्या हुआ? छह महीने सरकार की, छह महीने की बात करते हैं, 50 साल चाहिए, क्या फालतू फालतू बातें करते रहे, बेचैन हो जाते हैं। सवाल कर रहा हूँ, सही दिशा में बात कीजिए। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, आपकी उम्र 38 साल है, 38 साल से अगर एक दिन भी अगर आगे बढ़ गया आवेदन कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो 10 साल बढ़ गया और आपका बेचैन हो जाते हैं। 13 महीने के बाद में आवेदन करने दीजिएगा ना, हम BPSC का अभी आया है ना, तो हमको 2025 में आवेदन करने दीजिएगा ना BPSC में, अभी वाला में। बोलिए, चुप, जज्बे शहादत को क्या चाहिए? अब तो सीटेट बीटेट उर्दू टेट उम्मीदवारों ने हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से क्या डर है यार, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, आइए तब पता चलेगा। चलिए, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे ना, सरकार की तरफ से बात करना, इनके तरफ से बात करेंगे, हमारे तरफ से कहा बात करेंगे। 5 साल ये लोग जानता है, ऐसे चिल्लाते रहेंगे, जब वोट आएगा जाति के नाम पर वोट दे देंगे, आप फिर कहेंगे जाति के नाम पे कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं जाति के नाम पे। यार कौन जाति के नाम पे वोट देगा? बात करते हैं, किसको बिहार में, किसको बिहार में बातें करते हैं आप? जाति के नाम पे वोट दे दीजिएगा, क्या जाति के नाम पे वोट, और कोई किसी को वोट नहीं देगा जब तक के ये नहीं ना, अब कौन जाते बात ही नहीं चलेगा। अब देखेगा, 5 साल आप लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं, हमको मालूम है, 5 साल ऐसे ही चिल्लाते हैं, तो आप तो उसके तरफ से प्रवक्ता कहला बनते हैं। हम कहला प्रवक्ता वही तो कह रहे हैं ना, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं ना, आपके तरफ से बोल रहे हैं, 5 साल आप तो चिल्लाइएगा और फिर जाति के नाम पर वोट दे दीजिएगा। बिहार का आत्मा, भारत का आत्मा, बिहार का एजुकेशन, बिहार का शिक्षा, बिहार की तालीम। किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? हम अभी तय कर दें, अभी हम तय कर दें, मैंने अभी तय कर दें, नीतीश कुमार का वोट नहीं देंगे। बात करते हैं भाई, करवा लो टेम्पो वाले सबसे, किसको दोगे? हम अभी आपको सुन लीजिए, नए वक्त और हालात जवाब देगा आपको, वक्त जवाब दे देगा, घबराइए नहीं। मेन मुद्दा है वोटिंग वाला, वोट वाला पे लोग का जवाब नहीं निकलेगा, बाकी आपका फिर क्या जवाब नहीं निकलेगा? हम पूछा था नहीं, नहीं, ये वक्त जवाब देगा, कल कौन क्या देखा है, कैसी बातें करते हैं भाई। चलिए, हम भी वही कह रहा है कि वक्त जवाब देगा, कौन किसको वोट देगा फिर उसी टाइम देखा जाएगा, बाकी आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रक्रिया क्या है जरूर दीजिएगा। मैं हूं साहब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।